मैं चिरंतन विश्वात्मक ज्ञान तत्व हूं, मैं अनादि हूं, मैं अनंत हूं, काल गणना से पहले भी मैं था और आगे भी रहूंगा। विश्व का निर्माण कैसे हुआ, विश्व निर्मित की प्रक्रिया क्या थी, इस प्रचंड ब्रह्मांड का रूप कैसा है, क्यों इसमें एक ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीव सृष्टि निर्माण हुई, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मेरी साधना करने पर ही मिलते हैं। गत हजारों वर्षों से बुद्धिमत्ता का वरदान प्राप्त जीवों ने मेरी साधना, मेरी आराधना की है, मेरी खोज करके ही खुले हैं इस विश्व के अनेक रहस्यों के भेद। मैं एक ऐसा अक्षय तत्व हूं जो कहीं भी किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। पृथ्वी पर मनुष्य के आगमन से ही उसने ज्ञान की साधना आरंभ की। पिछले सहस्राब्दियों से पृथ्वी पर अनेक महान मानवों ने मेरे माध्यम से नए आविष्कारों को जन्म दिया, नई खोज की। इस पृथ्वी पर अनेक देश हैं, जिनमें से एक है भारत, जहां पर पिछले कई वर्षों से मेरी पूजा एवं अंतिम सत्य की खोज की गई। इस भारत देश में कितने महान ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने जन्म लिया, ज्ञान की तपस्या के माध्यम से विश्व के रहस्यात्मक तत्वों का प्रकटीकरण किया। इनमें से एक है महाराष्ट्र में जन्मे संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज, जिनका जन्म आज से 745 वर्ष पूर्व हुआ और जिन्होंने अपने 21 वर्ष के छोटे से जीवन काल में मेरे सत्य रूप को लोगों के सामने रखा। जिस श्रीमद् भगवत गीता को ज्ञान का भंडार माना जाता है, उस भगवत गीता के अंतरंग को संत ज्ञानेश्वर जी ने केवल 16 वर्ष की आयु में भावार्थ दीपिका अर्थात श्री ज्ञानेश्वरी के रूप में मराठी भाषा में लोगों के सामने प्रकट किया। संत ज्ञानेश्वर केवल एक संत ही नहीं थे, बल्कि विश्व के अनेक रहस्यमय सिद्धांतों, विश्वात्मक तत्वों को समस्त मानव जाति को समझाने वाले एक अत्यंत महान दार्शनिक तत्ववेत्ता भी थे। 1400 वर्षों की कठोर तपस्या से प्राप्त ज्ञान की घमंड में हिंसक शेर पर आरूढ़ श्री चांददेव महाराज से मिलने के लिए संत ज्ञानेश्वर महाराज ने एक अचेतन दीवार को विवेक की शक्ति से चलाकर उनका गर्भहरण कर लिया था। ज्ञान तत्व की शक्ति का शायद ये एकमात्र उदाहरण है। भक्ति पंथ के उद्गाता महान वारकरी संप्रदाय के अन्वेषक, सही अर्थ में ज्ञान के ईश्वर, जिन्हें लोग आज भी माउली अर्थात मां के नाम से संबोधित करते हैं, ऐसे संत ज्ञानेश्वर ने अपने आयु के केवल 21वें वर्ष में ये कहकर संजीवन समाधि में प्रवेश किया कि उनका जीवन कार्य अब समाप्त हुआ है। इस महान दार्शनिक संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज के नाम पर अवतरित हुआ है विश्व का सबसे बड़ा और भव्यतम गुंबद, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर विश्व शांति प्रार्थना सभागृह एवं विश्व शांति ग्रंथालय, एक ऐसी वास्तु जो मेरा अर्थात ज्ञान तत्व का मानो प्रतिरूप है। इस भव्य वास्तु में स्थापित है कुछ ऐसे महान मानवों की प्रतिमाएं जिन्होंने मेरी खोज में अपना जीवन व्यतीत किया और वास्तविक रूप को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया। 160 फुट व्यास तथा 263 फुट ऊंचे इस विश्व शांति गुंबद में स्थापित है महात्मा तथागत गौतम बुद्ध, जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए अखंड तपश्चर्या की, यहां पर स्थापित है प्रभु ईसा मसीह,
जिन्होंने प्रेम और करुणा का संदेश देकर लोगों को ज्ञान प्रदान करने का प्रयत्न किया। यहाँ पर स्थापित हैं श्री गुरु नानक देव जी, जिन्होंने कहा कि ज्ञान बातों से नहीं ढूंढा जा सकता, केवल ईश्वर कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर स्थापित हैं महात्मा कबीर, बाबा बुल्ले शाह, तत्वज्ञ संत श्री तुकाराम महाराज आदि शंकराचार्य, ऐसे महान ज्ञानी सत्पुरुष डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन, सर आइजैक न्यूटन, सर माइकल पैरेड, डॉक्टर सीवी रमन, आर्यभट्ट, ऐसे महान ज्ञानी वैज्ञानिक तथा अरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो, कांत जैसे महान ज्ञानी दार्शनिक इसी गुंबद में बसे हैं। एक वचनी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम तथा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, ये वचन देने वाले भगवान श्री कृष्ण, ये सारे ज्ञानी संत सज्जन वैज्ञानिक दार्शनिक मानव जाति को यही सीख देते हैं कि ज्ञान की पूजा ही इंसान को सुख समाधान और शांति का मार्ग दिखलाती है। आज के युग में ज्ञान की भाषा बदल गई है। आज के विज्ञान युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अर्थात सूचना तंत्र, फेसबुक, गूगल, इन भाषाओं के माध्यम से सूचना का प्रसार होता है। परंतु क्लेश इस बात का होता है कि संत ज्ञानेश्वर की समाधि के 730 वर्ष पश्चात भी सही रूप से ज्ञान तत्व, निसर्ग तत्व का संदेश लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। सृष्टि का हर जीव दो तत्वों से बना है, वैज्ञानिक तत्व जो शरीर और मस्तिष्क से बनता है, और आध्यात्मिक तत्व जिसमें मन और आत्मा सम्मिलित है। इन दोनों तत्वों को जोड़कर जीव सृष्टि का विश्वात्मक तत्व बनता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज का तंत्र ज्ञान केवल भौतिक सुख का मार्ग दिखलाता है, किंतु मानव को शांति तथा सुख दिलाने के बजाय रासायनिक अस्त्र, परमाणु अस्त्र, जैविक अस्त्र जैसे विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण करने में जुटा है, जिसके कारण आज ये आशंका पैदा हुई है कि क्या मानव 21वीं शताब्दी का अंत भी देख पाएगा। मित्रों, विश्व शांति के लिए बना ये सबसे बड़ा गुंबद विज्ञान, तत्वज्ञान तथा अध्यात्म का समन्वय कराने वाली एक अद्भुत प्रयोगशाला ही है। इसका संदेश है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात सारा विश्व एक परिवार है, और इसका बोध है एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात अंतिम सत्य या ईश्वर केवल एक ही है। किंतु लोग जो ज्ञान प्राप्ति में लगे हैं, उसे विभिन्न नामों से पहचानते हैं, जैसे कि राम, रहीम, ईसा मसीह, भगवान बुद्ध, महावीर, जरथुष्ट, गुरु नानक आदि। 12 वर्षों के अथक प्रयासों के बाद अवतरित हुआ ये संत ज्ञानेश्वर विश्व शांति गुंबद महान दूरदर्शी शिक्षा प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ की संकल्पना, संरचना और नियोजन के फलस्वरूप प्रकट हुआ है। महान दार्शनिक संत श्री ज्ञानेश्वर और श्री तुकाराम महाराज पर श्रद्धा रखने वाले तथा भारत माता के महान सपूत स्वामी विवेकानंद के वचनों पर अटूट विश्वास रखने वाले प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की संकल्पना से आलंद स्थित सुंदर घाट, विश्वरूप दर्शन मंच तथा गरुड़ स्तंभ, रामेश्वर पुरी स्थित दो धर्मों की विचारधाराओं को जोड़ने वाला विश्व धर्मी श्री राम रहीम मानवता सेवी, अति सुंदर तथागत गौतम बुद्ध विहार, भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा देने वाली विश्व शांति संगीत कला अकादमी, विश्व शांति का संदेश देने वाला एकमेवा द्वितीय श्री विश्व दर्शन देवता मंदिर,
ऐसे अनेक अद्भुत वास्तुओं का निर्माण हुआ है। गत 4 दशकों से डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ ने स्वामी विवेकानंद के वचन विज्ञान तथा अध्यात्म के समन्वय से ही विश्व में शांति निर्माण होगी, इस पर कार्य करते हुए अपनी शिक्षा संस्थाओं में मूल्याधारित वैश्विक शिक्षण पद्धति का अनुसरण किया है। विश्व के सबसे बड़े शांति गुंबद को बनाकर उन्होंने संत ज्ञानेश्वर से डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन अर्थात अध्यात्म से विज्ञान की यात्रा को एक नया आयाम दिया है। इस आश्चर्यकारी गुंबद को देखने के बाद देश के कुछ महान हस्तियों ने अपनी भावनाएं कुछ इस तरह से प्रकट की। लुक एट दिस मैग्निफिसेंट डोम, टू मी दिस इज नॉट जस्ट द बिगेस्ट डोम इन द वर्ल्ड, टू मी दिस इज द बिगेस्ट आइडिया, द बिगेस्ट मैसेज टू द वर्ल्ड विच इट बैडली नीड्स टुडे। Professor Karad, you have given so much in the field of education to this state of Maharashtra, to India, but this is your greatest gift that you are leaving behind. They say individuals go, but institutions live. Individuals go, but ideas live. Individuals go, but messages live. This is the greatest message that you have left for us. May I request you to applaud not only him but all these workers with a thunderous applause. Dr. Vijay Bhatkar ji ne kaha, Dr. Vishwanath Karad, who is the creator of this edifice, it is only through the union of science and religion correctly interpreted. We have only two options: either we live together or we perish together. It is in this thing context this monument will stand. Remind us that these are the people who build. 54 people, they say, are representative people. Scientists, religious leaders, social reformers. So we take inspiration from them and they have carried the world so far. We have a long way to go. And this hall, this monument will remind us, inspire us that we have a long way to go for the humanity to bring peace on this beautiful planet that has been given to us. Bharat ke उपराष्ट्रपति महामहिम वेंकैया नायडू ने कहा, रीइन्फोर्सिंग द ओल्ड आइडिया ऑफ सर्वे जना सुखिनो भवन्तु वसुधैक कुटुंबकम, द एंटायर वर्ल्ड इज वन, दैट इज द फिलॉसफी बिहाइंड दिस डोम। एंड देन व्हाई डोम? टू प्रिवेंट द डूम। आई हैव बीन टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वी हैव सीन सम वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, we read about them also, but this will be another wonder of the world, situated in Pune, Maharashtra, in India, that is Bharat. Philosophers and the scientists coming together is a great combination, and their thoughts, their ideas, that will really give us what is required for the human beings. Bharatiya parampara us sanmarg ko dikhane ke liye ye sundar naya आइडिया को डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने निर्माण किया है। इसलिए मैं पूरी देश के ओर से, ऑन बिहाफ द एंटायर कंट्री, आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेट डॉक्टर विश्वनाथ फॉर दिस हिस्टोरिक कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड आई मस्ट से दिस डोम इन ऑल इट्स ग्रैंड्योर इज अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द विजन ही हेल्ड फॉर पोस्टेरिटी एंड हिज मिशन इन लाइफ। ही हैज अ मिशन, द मिशन इज नोबल। He started all these institutions also with that missionary zeal. Today, Dr. Karad has exhibited the same. For thousands of years to come, this dome is a true endorsement of the Gandhian thought and a manifestation of all the good that comes out of it. What a joy it is to be in this magnificent structure. I must congratulate Vishwanath ji. He has created a Taj Mahal of education. This is the Taj Mahal of education, the magnificent dome, all the symbolism that has gone into the 4 Gyana Stambhas and inside. It's quite remarkable. Namaskar. If science is misused, it can create disaster. I'm sure you
If all religion are aware is misinterpreted, in it today's can create chaos. Session, we will have. And if philosophies are distorted, they can video destroy. Console. Stalinism, Maoism. Video console. They killed 60 million people. We all are aware that in this session, the valedictory session of 26th philosopher Saint Sri Gyaneshwara and Saint Sri Tukaram Endowment Lecture Series 2021, we are going to have the presence of His Excellency Sri Bhagat Singh Koshyari Ji, the Honorable Governor. आने वाले समय में हम भारतवर्ष की बात बोले भारत भारत विच गिव्स अ सेंस ऑफ फीलिंग
that the endowment lecture which we have started in the name of Jnaneshwar and Tukaram as great philosophers, the philosophers must come out from their shell and they should come to the society and guide them. The Buddha, however, preached the equality of all human beings and anyone who wished to enter the Buddhist order, Sangha, was not asked about the Varna to which one belonged before entry. जर आपली श्रद्धा वाढली तरच आपल्याला प्रज्ञाप्राप्त होईल, आपला आत्मविश्वास वाढेल. गेट रिड ऑफ दी असुरी संपत, थिंग टेक द दैवी संपत and yatechase tatha kuru. So we are not teaching dharam. When we are not teaching dharam, different so-called religious bodies, they are teaching their religion. Unke seminaries ho sakte hain, unke madrasas ho sakte hain, unke ashram gurukul ho sakte hain, and everybody is teaching my religion is the best religion in the world, my religion is the only divine religion in the world. जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगा. तर आपण थोडस गाइड करा की आपला वेजिटेरियन लोकांना आहारात हा B12चा समन्वय कसा साधला पाहिजे. या दोन गोष्टीतूनच आपल्याला विटॅमिन B12, विटॅमिन D3 आणि कॅल्शियम हे मिळत असतं. पण शिवाजी महाराजांचा साक्षेपातला तसं प्लॅनिंग आहे, क्वालिटी आहे, एफिशियन्सी आहे, तसं त्यांची जी वेळेच्या बाबतीतली पंक्चुअलिटी इतकी लक्षण आहे. फुलांच्या पायघड्यावरून चालताना काटे बोचले तर सहन करा. फुलांच्या पायघड्यावरून चालताना काटे बोचले तर सहन करा, कारण काट्यांना फक्त बोचणंच माहिती असतं. आपण काय पेरतो आपल्या वासरांच्या प्रमाणे त्याप्रमाणे आपल्याला मिळणारी फळं असतात. यातलं देवानं काहीही दिलेलं नसतं आणि काहीही आपल्याकडनं हिरावलेलं नसतं. मन फार चंचल आहे. माणसाच्या आयुष्यात बऱ्या वाईट गोष्टी घडतात त्या मनामुळे घडत असतात. त्या मनाला लगाम लावला पाहिजे. सायलन्स रहेगा इन बिटवीन फ्रेसेस, दो तो द फ्रेसेस सीधे मेरे हृदय से आपके हृदय में जाएगा. चेंजेस सस्टेन्स डिस्ट्रॉयज डिसॉल्व्स क्रिएट्स एंड रियर्स. And he says, you cannot glimpse another man's lived experience looking in through the window. You need to go into his space and live his life. Space enables us to look at life in its totality and also how it shows us that we are such an insignificant, small, tiny component in this entire universe. पण या सगळ्या कालखंडामध्ये जो स्वतःचा आत्मविश्वास हरवणार नाही, जो स्वतःचा धीर गमावणार नाही आणि जो स्वतःच्या ध्येयाकडे लक्कपणे फक्त पाहत राहील, स्वतःच्या ध्येयाचं विस्मरण होऊ देणार नाही, तो निश्चितपणे यशस्वी होईल. आणि विवेकानंदांचे हे शब्द, जगद्गुरु तुकारामाचे शब्द, ज्ञानेश्वरांचे शब्द, सत्यात उतरण्याची वेळ आली आहे आणि ते 21वं शतक आहे. आणि किंबहुना या सर्व शतकामध्ये, या सर्व कार्यामध्ये वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी म्हणा, वर्ल्ड पीस सेंटर म्हणा, याचं कणमर तरी योगदान असावं एवढीच. वर्षा आम्ही जाव तो हिंदू, जाव तो मुसलमान, जाव तो ख्रिस्तांव, आम्ही एक एकवटाचे राहिले हा. आज गोवा विधानसभा, गोवा विधानसभेचे अध्यक्ष राजेश पाटणेकरजी, हा एक फेस्टिवल ऑन डेमोक्रेसी असा उपक्रम
माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी अतिशय बारकाईने ऑर्गनाइज केला, मी त्याच्याबद्दल मनापासून आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय तुमचं धन्यवाद करतो, स्वागत करतो। आम्ही ह्याच तरेत आम्ही पळेता की गोयचो कितलेशोत महिला राजकीय मळाचेर, सांस्कृतिक मळाचेर, बिझनेस मळाचेर, कल्चरल मळाचेर आणि स्पोर्ट्स मळाचेर आपले नाव स्वतंत्रापासून आज पर्यंत करीत आयली असा। अगर ब्यूटी इम्पॉर्टेंट होती तो शायद मैं आप लोगों के बीच में नहीं होती। आम्ही प्रत्येक या भारतीय विचारसरणीक धरून प्रत्येक फावटी पळयता, विद्येची देवी सरस्वती असा, शक्तीची देवी दुर्गा माता असा, ऋषितुल्य परंपरेतल्यान आम्ही पळयता मैत्रेय असतली, गार्गीय असतली, आणि त्याचबरोबर छत्रपती शिवाजी महाराजांक घडोवपी माता जिजाऊ असतली। ते बोललेले आणि सगळ्याचे ते मोगाचे। जिजाऊ आईसाहेब ही एक अशी आई होती की जिनी दोन राजे घडवले, आणि तेही कसे, एक शिवाजी महाराज ज्यांच्याकडून तिने आपलं स्वराज्याचं स्वप्न साकार करून घेतलं, आणि दुसरे संभाजी महाराज। असे दोन राजे घडवणारी जी आई आहे, त्या आईची भूमिका करण्याची मला संधी मिळाली याचा मला फार मनापासून आनंद होतो। नेटान मस्सो आवाज जावणी, वंदे वंदे भारत माता की। जे कितें विचार घेवन वयतले आयज, तेजेर पडले ते विचार तुमकां तुमच्या फुडच्या समाजसेवेन किंवां फुडच्या तुमच्या राजकारणान डेफिनेटली तुमकां हे सगळे विचार उपयोगी पडटले। राष्ट्रीय सरपंच संसद हा प्लॅटफॉर्म MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून सुरू केला गेला, आणि त्याचा असा परिपाक पुढं गोवा विधानसभा आणि हा पुढं नेतील, आणि आपल्यातनं अनेक असे सरपंच ह्या उपक्रमामध्ये पुढं यावे, त्यांना हा प्लॅटफॉर्म मिळावा म्हणून मी मनापासून गोवा सरकारचं परत एकदा कौतुक करतो। अरे आमका स्वप्न पडप हे खूप गरजेचे असा, आमका जर स्वप्न पळयना आम्ही जाल्यार ते सातत्यात उतरचे ना। भूल चुके हैं कि परंपराएं क्या हैं, ये कॉन्क्रीट पक्के मकानों में रह के वो भूल चुके हैं कि हमें भी सजोना आता है अपनी चीजों को, वो जो सुगंध है हमारी मिट्टी की वो देखना चाहते हैं। क्या आम्ही दोन पावला मारलात, तुम्ही दोन पावला मारा त्यांनाच हो गाव आमचं स्वयंपूर्ण जातलं, त्यांना गोय राज्य स्वयंपूर्ण जातले। या नॅशनल पंचायत पार्लमेंटाच्या निमित्तात तुम्ही ज्या पद्धतीत हो विषय घेऊन गावागावांतल्यान वयतले, अनेकूय नेटात हे काम जातले, म्हाका आशा असा की आमचे स्वयंपूर्ण मित्र आणि तुम्ही सगळे मिळून प्रत्येक विलेज जी असा जेव्हा गाव स्वयंपूर्ण जातलो त्यांनाच गोय स्वयंपूर्ण जातले। माननीय मोदीजींचे स्वप्न
नवभारत निर्माण करपाचे, आत्मनिर्भर भारत करपाचे आणि या 60व्या मुक्तीच्या वर्षा स्वयंपूर्ण गोय करपाचे स्वप्न तुम्ही साकार करतले। लिखे युवा राजनीति में आए, सभी राजनेता चोर है, पॉलिटिकल पार्टियां भ्रष्ट है, ये मानना गलत है। इस तरीके का एक विचार पिछले 17 सालों से बार बार पूरे भारत के अलग अलग विधानसभाओं के माध्यम से, अलग अलग कॉलेजेस के माध्यम से, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन के माध्यम से हम इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि उसका ये एक परिपाक है। अरे वो नव भारत जर निर्माण जो आसा जो मैं दिता कि आम्ही सगळ्यांनी एकत्र येऊपाची गरज आसली। माननीय मोदीजी काढलेली प्रत्येक स्कीम, प्रत्येक योजना पळ्यात तंका चिंता आसा समाजातल्या शेवटच्या मनशाची, जो समाजातलो शेवटचो मनीस आसा म्हणजे अंत्योदय तत्वाचेर बसलेलो, कदाचित ती जाणटेली आवय आसतली, कदाचित ती विधवा भयण आसतली, कदाचित तो अपंग भाव आसतलो, ताच्या पर्यंत आम्ही पावपाक जाय। There will be days when you will be feeling low and you will fail miserably. But it is how we take these failures and bounce back from them which is what makes us a successful leader. Kya hum Bhagat Singh ji ko wapas aane ke liye intezar kare? Kya hum har kshetra se, har tabke se, har mazhab ke wo bade bade shakhsiyat dobara wapas aane ke liye hum intezar karte rahenge? या इस जिम्मेवारी को हम अपने कंधे पे लेंगे। नेता राज नहीं, वैद्य राज नहीं, कवि राज नहीं, नट राज, नृत्य का राजा, और उसी नृत्य की ऊर्जा से पूरा विश्व बना है। डेमोक्रेसी एसेंशियली मीन्स अ प्लेटफॉर्म विच वी हैव क्रिएटेड आर बाय आर ओन विल टू क्राफ्ट आर ओन डेस्टिनीज। या पार्लमेंटाचो उद्देश किदें काय म्हणून हांवें म्हटलें तुका कळचो ना, कारण तूं येवकूच ना। एकदां येवन पळय, म्हाका दिसता आमचे तरणाटे जे आसा ह्या युवकांच्या विचारा पासून प्रेरीत जाल्ले आसा, ते कितें तरी घेवन घरा वयतले। आमकां लिडरशीप जायी ह्या देशाक, तरणाट्या युवकांची गरज आसा ह्या देशाक, युवकाच्या नेतृत्वाची गरज आसा, आनी म्हणूनच तर आमच्या मदले कितलेशे तरणाटे फुडें येवपाची गरज आसा। स्वयंपूर्ण गोवा और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का माध्यम बनेंगे। अहम् प्रार्थये नित्यं विद्यां बुद्धिं च देहि मे। लकी आर दोस हु आर बॉर्न टू पूवर एंड इफ यू आर पूवर प्लीज सेलिब्रेट। We talk about I love you, it's not just some sentimental hocus pocus. When I talk about I love you, we talk about responsibility to serve and treat each other with respect, with dignity, with value.
Very good morning. My friends, as you are aware, that we will have the presence of His Excellency Shri Bhagat Singh Koshyari in this function. So as per the protocol of governor of a state, the moment governor arrives on the dais, we all should be standing, and immediately, without any command, the national anthem would begin. So please be alert. As per the protocol, the moment His Excellency arrives on stage, national anthem has to play. So just wanted to share this with you. There won't be any command, so please do not sit down after the guests are arriving on stage. In the moment they are standing at their proper places, the national anthem would automatically go on. Thank you. His Excellency Shri Bhagat Singh Koshyari has arrived on campus. We would be starting the function right on time. I once again request everyone in the hall to please ensure that the mobile phones are on silent mode. In few moments from now, we will start the function in the hall. The formal arrival of His Excellency has already begun. It is indeed our good fortune that we all are witnessing the 26th valedictory session of philosopher Sri Gyaneshwara and Sri Tukaram Maharaj endowment lecture series. We all are part of 26 years old long tradition, probably one of the only lecture series that is going on for last 26 years.
and the importance of the same is underlined by the presence of His Excellency today at this valedictory session. I request everyone to be seated, please. We still have some time before His Excellency arrives. We all are going to rise in our seats. I will let you know the moment His Excellency arrives. This is exactly 58 minutes past 10. The function is starting exactly on time as per the protocol of His Excellency. I hope everybody who's standing behind has a place to sit. You have chairs with you, right? तुम्हाला बसायला खुर्च्या आहेत ना मागे?
we have received a request, and it is to share with you that you all are requested to put your mobile phones in switched off mode, not just on silent. So please ensure that your mobile phones are completely switched off. Thank you very much.
welcome all the dignitaries with by rising in our seats. So in few moments from now, we will witness the arrival of dignitaries in this hall. Thank you. A beautiful band of Maharashtra Police playing Jaya Jaya Maharashtra Maza, a very, very beautiful tune to welcome His Excellency, the Governor of the state of Maharashtra. जर वरच्या मजल्यावर कोणी उभा असेल तर त्यांना विनंती की त्यांनी कृपया खाली येऊन बसावं. वरच्या मजल्यावर कोणी जर उभा असेल तर त्यांना विनंती की त्यांनी खाली येऊन बसावं. आय रिक्वेस्ट एव्हरी वन टू प्लीज राईज इन युअर सीट्स. Let us welcome with a big round of applause, my friends, His Excellency Shri Bhagat Singh Koshyari ji, Honorable Governor of the state of Maharashtra, Shri Sunil Devdhar ji, National Secretary of BJP, revered Professor Dr. Vishwanath Karat sir, the founder president of MIT World Peace University and Secretary General of MIRS MIT Group of Institutions, Madam Swati Tate. All the dignitaries are making their way onto the stage. I request everyone to keep rising in your seats. Please rise in your seats. Do not sit down. Thank you. Let's welcome His Excellency with a big round of applause. Let's keep rising in our seats as we have national anthem. Thank you very much. I request my technical team to relay the World Peace Prayer. I request everyone to please rise in your seats, fold your hands, close your eyes, and as per the tradition of MIRS MIT Group of Institution, which is standing for last 40 years, let us pray to the Almighty for the well-being of entire humanity. The World Peace Prayer, please. वेद प्रतिपाद्य जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा.
स्तुति गणेशु सकलार्थ मति प्रकाशु मणे निवृत्तिदासु अवधारि बोधि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्ताक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। थैंक यू। Started in year 1996, probably endowment lecture series is one of the longest running academic engagement we all are enjoying. We all are enriched our lives, we are enriching our lives every year with the discourse of knowledge that is happening in the philosopher Saint Sri Gyaneshwara and Saint Sri Tukaram endowment lecture series. May I now request the Honorable Pro Vice Chancellor of MIT World Peace University, Professor Dr. Milind Pandeyji, to give us a quick overview of the Endowment Lecture Series 2021. But before I invite him, Zarur. Sure. Khub khub abhar. Ho sir. Matrubhashat bolnyachi sandhi dilyabaddal khub khub abhar. मी सर्व उपस्थितांना विनंती करू इच्छितो की संपूर्ण कार्यक्रम सुरू असताना सर्वांनी आपापले मास्क वापरावेत आणि आपलं नाक आणि आपलं तोंड झाकलेलं राहील याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी. श्री मिलिंद पांडे सर. शुभ सकाळ आणि नमस्कार श्रोते हो. 25 वर्ष श्री संत ज्ञानेश्वर संत तुकाराम यांच्या एंडोमेंट लेक्चरला सिरीजला मागच्या वर्षी पूर्ण झालीत आणि हे 26वं वर्ष. मागचं वर्ष ऑनलाईन होतं तर खऱ्या अर्थाने हेच 25वं वर्ष आपलं सिल्वर ज्युबिली इयर आहे. 25 वर्ष पूर्ण आणि 50व्या वर्षाकडे सुरुवात, सुवर्ण जयंतीकडे आपण सुरुवात करतो आहे. सिल्वर ज्युबिली केलं, गोल्डन ज्युबिलीकडे आपण जातो आहे. पर्पज ऑफ द एंडोमेंट लेक्चर सिरीज, पुष्कळदा आपण असं म्हणतो, what is the purpose? The capacity building, the capacity enhancement of the staff. सकाळी आपण योगा करतो. गेल्या 25 वर्ष मी महामहिम राज्यपाल साहेबांना सांगू इच्छितो की 25 वर्षापासून इथे योगाचं प्रात्यक्षिक सुरू केलेलं आहे. वी ऑलवेज यूज टू टॉक अबाउट द व्हॅल्यू बेस्ड युनिव्हर्सल एज्युकेशन सिस्टीम. दिस इज नथिंग बट द प्लॅटफॉर्म फॉर प्रॅक्टिसिंग दॅट व्हॅल्यू बेस्ड युनिव्हर्सल एज्युकेशन सिस्टीम. विविध विषयांवर आपण बोलतो, त्याच्यामध्ये सायन्स अँड स्पिरिच्युअलिटी असेल, एकम सत् विप्रा बहुधा वदंती वसुधैव कुटुंबकम, रिलिजियस स्क्रिप्चर्स दे आर नथिंग बट द लाईफ गायडिंग स्क्रिप्चर्स टू प्रमोट द कल्चर ऑफ पीस इन द वर्ल्ड. आणि मित्रांनो, या वर्षी जे विविध विषय घेतले आणि जे विविध वक्ते आले आहेत आपल्याकडे, मला एक आवर्जून सांगतो आणि थांबतो. या एंडोमेंट लेक्चरसरींचं गोल्डन आउटकम आहे वर्ल्ड पीस डोम. बद्रीनाथ इथे स्थापन झालेलं विश्व वाग्देवतेचं मंदिर, सरस्वती ज्ञान मंदिर, जे महामहिम राज्यपालांच्या हस्ते त्याचं उद्घाटन करण्यात आलं. इतक्या विपरीत परिस्थितीमध्ये महामहिम राज्यपाल तिथे आलेत आणि त्यांनी त्यांचं
मला असं वाटतं की श्रोतेहो हा जो विश्वशांती डोम आहे इज द पीस लॅबोरेटरी द सायंटिफिक लॅबोरेटरी शांती की प्रयोगशाला भारत माता का सांस्कृतिक धरोहर द मदर इंडिया टेम्पल ऑफ द पीस मला तुम्हाला सांगायला पाहिजे की मानव कल्याण के लिए ईश्वर निर्मित कार्य आहे आणि कराड सर कधीच त्याचं श्रेय घेत नाही हे माऊलींचं कार्य आहे हे ईश्वर निर्मित कार्य आहे हे सहज घडून गेलं ईश्वरी कृपेने माऊलींच्या कृपेने आळंदी अजमेर अमृतसर अयोध्या आणि आता बद्रीनाथ ये सब जोडणे के लिए ये बहुत बड़ा संदेश देने के लिए वर्ल्ड पीस डोम आणि विश्व वाग्देवतेचं मंदिर याचं निर्माण झालेलं आहे आणि मला असं वाटतं की या 25 वर्ष अहोरात्र सातत्याने सुरू असलेल्या एंडोमेंट लेक्चर सीरीजचं परिणाम द गोल्डन आउटपुट ऑफ दिस इज हे ईश्वर निर्माण कार्य आहे नेटवर्किंग ऑफ द पिलिग्रिमेज सेंटर्स इन टू द डिवाईन नॉलेज सेंटर्स तीर्थक्षेत्र की ओर से ज्ञान तीर्थक्षेत्र की ओर अशी जी संकल्पना मांडली त्यामध्ये डॉक्टर विश्वनाथ कराड असतील डॉक्टर माशेलकर असतील डॉक्टर भटकर असतील आणि त्या संकल्पनेमध्ये एक ज्ञान तीर्थक्षेत्र जोडलं गेलं ते म्हणजे बद्रीनाथचं विश्व वाग्देवतेचं ज्ञान सरस्वतीचं सरस्वती मंदिर बद्रीनाथ येथे उत्तराखंडमध्ये केशवप्रयागला त्याचं निर्माण झालेलं आहे श्रोते हो मी सर्वांचे तुमच्या सर्वांचे मनापासून आभार मानतो या एंडोमेंट लेक्चर सिरीजसाठी आपण मी म्हणालो होतो की याचं पर्पज काय की डुईंग नोईंग डुईंग अँड बिईंग 1000 वक्त्यांना आपण गेल्या 25 वर्षात ऐकलं आहे वी लिसन टू देम फ्रॉम ऑल द 360 degree अँगल वी ट्राय टू इम्प्लिमेंट इट अँड वील ट्राय टू बिकम इट सो नोईंग डुईंग अँड बिईंग मी जेवढे सगळे साथीदार ज्यांनी याच्यात काम केलं या सगळ्या एंडोमेंट लेक्चर सिरीजचं वक्ते निवडणं त्यांचे विषय निवडणं आदरणीय डॉक्टर कराड सरांच्या मार्गदर्शनाखाली होतं श्रोतो खुशियों के लिए काम करेगे तो शायद खुशी ना मिले बट खुश होके काम करोगे तो खुशियाँ भी मिलेंगी और सफलता भी मिलेंगी तर या सगळ्यामध्ये ज्यांनी मला अभिनंदन करायचं आहे खूप लोकांचे नावं घेण्यासारखे मी मोजके नावं घेतो आणि थांबणार आहे त्याच्यामध्ये आमचे अविनाश पाटील असतील योगेश पारखे असतील प्राध्यापक सुनील कराड असतील त्यांची टीम महेश थोरवे असतील मिलिंद पात्रे योगाचे पाडेकर गुरुजी आणि असे किती जणांचे नावं घ्यायचं जवळपास 15 कमिट्या आणि सगळ्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो शेवटी सांगतो की या सगळ्या एंडोमेंट लेक्चर सिरीजचं इज द ट्रान्सफॉर्मिंग पर्सनॅलिटी इंटू विनिंग पर्सनॅलिटी एक गुरु ठाकूरच्या 2 ओळींनी मी माझं हे वक्तव्य संपवणार आहे ते असं म्हणतात की तू बुद्धी दे तेज दे नवचेतना विश्वास दे जे सत्य सुंदर सर्वथा आ जन्म त्याचा ध्यास दे हे एंडोमेंट लेक्चर सिरीजचं प्रयोजन काय आहे जाणावया दुर्बलांच्या दुःख आणि वेदना जाणावया दुर्बलांच्या दुःख आणि वेदना तेवत्या राहो सदा रंध्रातुनी संवेदना धमन्यातल्या रुधिरास या खल भेदण्याची आस दे सामर्थ्य या शब्दास आणि अर्थ या जगण्यास दे खूप सुंदर शब्द आहेत सामर्थ्य या शब्दास आणि अर्थ या जगण्यास दे जे सत्य सुंदर सर्वथा आ जन्म त्याचा ध्यास दे आ जन्म त्याचा ध्यास दे श्रोते हो बद्रीनाथला महामहिम राज्यपालजी होते आणि त्या सगळ्या विपरीत परिस्थितीमध्ये ते असं नदीवर बांधलेलं स्टेज आणि मातेचं मंदिर मंदिराच्या बाजूला प्रपात कोसळणारा सरस्वती नदीचा प्रपात आम्ही मनासारखं स्वागत माननीय महामहिम राज्यपालजींचं त्यावेळी करू नाही शकलो पण ही संधी हा प्लॅटफॉर्म मी आदरणीय डॉक्टर विश्वनाथ कराड सरांना विनंती करतो की त्यांनी महामहिम राज्यपालांचं या ठिकाणी स्वागत करावं स्वागतामध्ये महाराष्ट्राचं भूषण महाराष्ट्राचं वैभव असलेली पुणेरी पगडी आहे बद्रीनाथ येथील घोंगडी आहे मानाचं वस्त्र आहे माऊलींचं महावस्त्र बद्रीनाथ येथील जय बद्री विशालची कोंगडी आहे हा
मला असं वाटतं एकदा उभं राहून आपण टाळ्यांच्या कडकडाटात मानवंदना देऊया. महामहिम राज्यपाल हिज एक्सलन्सी ऑनरेबल श्री भगतसिंगजी कोश्यारी. माणा येथील गावामध्ये त्या सरस्वती मातेची मूर्ती स्थापन झालेली आहे. त्या मूर्तीचं मूर्तीची प्रतिमा या ठिकाणी परम आदरणीय माननीय भगतसिंह कोश्यारीजी साहेबांना या ठिकाणी प्रदान करण्यात येत आहे. खूप खूप धन्यवाद. मी तसंच विनंती करतो की आजचे प्रमुख पाहुणे श्री सुनीलजी देवधर नॅशनल सेक्रेटरी BJP यांचासुद्धा सत्कार करावा. मी राहुलजींना विनंती करतो. एक्झिक्युटिव्ह प्रेसिडेंट MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी श्री राहुलजी कराड यांना मी विनंती करतो की त्यांनी श्री सुनीलजी देवधर यांचा सत्कार करावा. आणि मित्रांनो, टाळ्यांचा कडकडाट या ठिकाणी व्हायला पाहिजे. श्री सुनीलजी देवधर नॅशनल सेक्रेटरी BJP. धन्यवाद सर. आणि आता स्वागतपर दोन शब्द बोलण्यासाठी ज्यांनी भविष्यातले राजकीय नेते घडवणारी भारतातली पहिली संस्था स्थापन केली आणि अनेक इनोव्हेटिव्ह प्लॅटफॉर्म्सला जन्म दिला, भारतीय छात्र संसद, नॅशनल वुमेन्स पार्लमेंटसारख्या, असे MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे एक्झिक्युटिव्ह प्रेसिडेंट श्री राहुल वी कराड सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी स्वागतपर भाषण करावं. कृपया टाळ्यांच्या कडकडाटात स्वागत करा श्री राहुल वी कराड सर. जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. बिहाफ ऑफ द बॉडीज ऑफ ट्रस्टीज, अवर बिलिवर्ड फाउंडर रिवियर्ड प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड, let me welcome from my bottom of heart His Excellency, most respected leader of this country, Bhagat Singh Koshyari Sahab, the Honorable Governor of Maharashtra. Thank you so much for your participation today. Yeah, I will come to Hindi, Dr. Chitnis. And of course, the second eminent guest we have is Mr. Sunil Devdar Sahab. He comes from the background of RSS. He played a very crucial and important role for Northeast region. He developed few important platforms also for Bharat there in that part of the country, and how to involve the our North Indian brothers, I mean Northeast brothers, into the mainstream. That was always his commitment and very, very sincere, honest, committed leader of RSS. Thank you, Sunil Devdar Sahab, for your participation today. Tumcha vishayi khup kahi goshti bolta yetil, pan khup khup dhanyavad. Governor sahebancha vishayi kiti bolava mala mahit nahi. Hi chauthi tyanchi bhet hai sansthela, sanstheche upakramanmadhe. Aaj barobbar 3 varshapurvi amche ajoba mananiya Dadarawji Karad sahib yancha memory madhe je award apan suru kela, ते अवॉर्ड देण्याकरता पहिल्यांदा MIT संस्थेमध्ये त्यांचा येण्याचा योग आला. गव्हर्नर साहेब, तुमचं मनापासून मी परत एकदा स्वागत करतो. जनरली मागच्या 15-20 वर्षात पॉलिटिकल लिडरशिपची संस्था चालवत असताना अनेक मान्यवर मंडळींना इथं बोलवण्याचा योग आला, पण अशा पदामध्ये पदग्रहण केलेले गव्हर्नर एखाद्या विषयावर एखाद्या संस्थेला दुसऱ्या तिसऱ्या, जनरली गव्हर्नरचा प्रोटोकॉल असतो की एकदा ते गेल्यानंतर दुसऱ्या वेळेस त्याच संस्थेत जाण्याचं कधी असं औचित्य होत नाही, कारण त्यांना तशी बंधनं असतात, त्यांना बाकीचे प्रोटोकॉल असतात आणि अनेक लोकांना जस्टिस तशा प्रकारे द्यावा लागतो. पण मला कोश्यारी साहेबांचं कौतुक वाटतं की ह्या संस्थेचं एक विशेष कामाचं कौतुक म्हणून मी ह्या उपक्रमाकडे बघतो. आणि आपल्या सगळ्यांना अतिशय हे मोटिवेशन आहे की बद्रीनाथच्या उपक्रमाविषयी मी आपल्या सगळ्यांच्या पुढे वेगळ्यांनी बोलायची गरज नाही. गेल्या 5 दिवसात त्याच्या आधी आपण आदरणीय कराड सरांच्या माध्यमातून जे काही वेगवेगळे क्रिएशन आत्तापर्यंत MIT इतिहासात झाले ह्याची सगळ्यांना आपल्याला जाण आहे. आणि त्याचा एक अजून एक महत्त्वाचा बिंदू म्हणजे बद्रीनाथचं मंदिर. कोश्यारी साहेब, मी तुमचं मनापासून परत एकदा स्वागत, अभिनंदन. आम्हा सगळ्यांना प्रेरित केल्याबद्दल, ह्या पूर्ण उपक्रमामध्ये भाग घेतल्याबद्दल. आमचे व्हाईस चान्सलर इथं आहेत, प्रोफेसर पांडे आहेत, प्रोफेसर मंगेश कराड अवर प्रेसिडेंट ही इज नॉट हिअर फॉर सम अदर कमिटमेंट, माय सिस्टर स्वाती हू इज अ सेक्रेटरी जनरल फॉर माईज ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन,
and all other members, staff, students, and each one of you. Once again, I bow down to the very important, prestigious dais, which is very well decorated under the leadership of our beloved, revered Dr. Vishwanath Karad, sir. For so many last almost four decades, we have been experiencing many such events, but I think today again, because of the 25 years of the completion, this is very, very historic and important, as Professor Pandey said, very important epoch-making event of Sant Gyaneshwar Tukaram Smriti Vyakhyan Mala Valedictory Program. I'm just going to touch upon just two, three important points. Teen char muddo ke upar Governor Saab mein kuch baat karna chahunga. Main sabke naam nahi le sakta, but Pandit Vasantrao Gadgil ji, aap bhi yahan pe hai. Prime Minister Modi Saab 2012 mein specially unka samman karne ke liye Pune aaye the isi sanstha mein. Professor Pathan yahan baithe hue hai. Bala Saheb Dharade ji yahan pe bahut NASA ke bahut bade scientist aur abhi Bharat ke politics mein bahut acha kaam kar rahe. Baki Padegaonkar ji, Kishan Sharma ji, हमारे नाना जो हमारे आदरणीय कराड सर के जो भाई साहब है काशीराम नाना जी, नाना एक मिनट उठून सगळ्यांना दर्शन तुम्हें एक मिनट उठा फक्त नाना काशीराम नाना जी इनकी बदौलत नाना जी ने जो कष्ट किए उनके हमारे दूसरे जो अंकल है उनका एफर्ट और इन्होंने खेतों में जो काम किया बाकी सब आप तो जानते हैं हम सब एग्रेरियन इकोनॉमी हब भारत तो पूरा किसानों का देश है बट बहुत एफर्ट लेके इन्होंने उनके तीनों भाइयों का जो बॉन्ड था तो इसलिए मैं नाना जी का स्पेशल नाम लिया शरचंद्र दराड़े पाटिल साहब थैंक यू सो मच फ्रॉम डे वन यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस मिशन ऑफ MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी एंड फॉस्टरिंग दिस अलॉन्ग विद प्रकाश जोशी जी प्रोफेसर भिड़े ही इज़ नो मोर श्री कृष्ण भिड़े साहब एंड फ्रांसिस दिब्रेटो जी Everybody here, thank you so much, all the members. पिछले पाँच दिनों से शायद इनाग्रेशन के बाद शायद बात आज मुझे आप यहाँ पे देख रहे हैं योगा के लिए मैं दो तीन बार आ पाया बट मेरी माता जी का कुछ ऑपरेशन होने के नाते तीन चार पाँच दिन से मैं उसमें व्यस्त रहा और मैं यहाँ पे आ नहीं पाया तो आज इसके लिए पहली बार ऐसा हुआ कि इतने सालों में एटलीस्ट 50% ये प्रोग्राम अटेंड करने की मेरी कोशिश रहती है बट इस बार मेरा सौभाग्य नहीं था बट कुछ सेशन मैं ऑनलाइन में देख पाया बहुत ही अच्छा आयोजन सभी लोगों के माध्यम से प्रोफेसर पांडे ने जैसे कहा सबका मन से हृदय से अभिनंदन मैं दो तीन चीज़ें यहाँ पे कहना चाहूँगा गवर्नर साहब पिछले इतने सालों से ये जो शुरुआत हुई आदरणीय कराड़ सर ने जो कि भाई ऐसी स्मृति व्याख्यान माला पूना में हो तो इस संस्था में ये शुरुआत हुई बट इस संस्था की अभी काफ़ी सारी संस्थाएँ पूरे महाराष्ट्र में हैं तो मैं अभी सबके सामने ये कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट हैं इतनी बड़ी पाँच दिन की व्याख्यान माला तो वहाँ पे हम नहीं ले सकते बट मुझे ऐसे लगता है कि हम अगर दो या तीन दिन के हमारे सभी जितने मेडिकल कॉलेजेस सभी शिक्षण संस्थाएं अगर उस तरीके से अगर हम कर पाए तो मुझे लगता है कि हमारे शिक्षकों की बहुत अच्छे से कैपेसिटी बिल्डिंग जो 2500-3000 के लगभग हमारे प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन के शिक्षक है सबकी बहुत बड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग इसके माध्यम से हो सकती है तो इसलिए मैं आदरणीय करार सर को भी विनती करूँगा कि इस तरीके का एक ही टाइम पे जिस टाइम यहाँ पे शुरुआत होती है सब जगह पे उसी दौरान अगर हम तो वहाँ के इतने सारे रिसोर्स हमारी संस्था के साथ इतने सारे रिसोर्स इंटेलेक्चुअल लोग जुड़ने का मौका मिलेगा और संस्था भी बहुत बड़ी हो गई 25 साल पहले तो एक ही एक सेंटर था कोथरूड का ये अभी इतनी सारी संस्था और 3000 के लगभग शिक्षक हो गए तो पठान सर इसके बारे में ज़रूर सोचना होगा 3000 शिक्षकों को हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि योगा का कल्चर जो हर थर्सडे को इस कैंपस में पहले साल के सभी छात्र योगा करते गवर्नर साहब तो हमारे 60,000 के लगभग छात्र हैं तो योगा का एक बहुत सुंदर कल्चर पूरे सभी संस्थानों में होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है तो उसके लिए भी हमें माहिर के लेवल के ऊपर ये एफर्ट बहुत बड़े पैमाने के ऊपर लेने की ज़रूरत है मैं तीसरी बात गवर्नर साहब आपके सामने कहना चाहूँगा कि कॉलोनियल माइंडसेट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने अभी एक रिसेंटली जो बात बोली तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा नाम राहुल मेरे परिवार ने मेरे पिताजी ने मुझे दिया मेरे फरीब तो अभी मुंबई का नाम मुंबई बाला साहेब ठाकरे जी ने मांग उठाई थी तो बॉम्बे का मुंबई हो गया मद्रास का चेन्नई हो गया बेंगलोर का बेंगलुरु हो गया मेरे इनाग्रेशन के भाषण में भी मैंने ये बात बोली थी मुझे लगता है कि इंडिया शब्द का प्रयोग हम कितना किस तरीके से करना चाहिए भारत हम नहीं बोल सकते क्या सुनील जी इसके ऊपर हमें सबको विचार करने की मैंने 4,500 सभी MLAs को भी खत भेजा है कि इंडिया के बजाय हम अगर भारत कह पाए तो मुझे लगता है बहुत बड़ी प्राइड हमारे सबके मन में तैयार हो सकती है और लास्ट बात मैं यहाँ पे कह के ख़त्म करूँगा मेरे पिताजी की माननीय कराड़ सर की सूचना और उनकी आंखें मेरे से बोल रही है कि आई मस्ट स्टॉप तो कि इंडिपेंडेंस डे के बारे में भी
की इंडिपेंडेंस डे ब्रिटिशर्स ने हमें इंडिपेंडेंस दिया, तो मुझे खुद को लगता है कि वो कौन थे कि वो हमें स्वतंत्रता दे इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस डे का भी नाम हम इंडिपेंडेंस डे बदल के नेशनल डे कह सकते हैं क्या कि और भी कुछ कह सकते हैं, मुझे नहीं पता। बट इन सब चीज़ों से हमें सोचने की ज़रूरत है 75 साल की आज़ादी के ऊपर। ये जो हमारा एंडोमेंट लेक्चर सीरीज यहाँ पे हो रहा है, मुझे लगता है कि बहुत ही ऐतिहासिक ऐसा आज वैलिडेटिव प्रोग्राम यहाँ पे होने जा रहा है, और मैं फिर से एक बार सर आपका अभिनंदन करूँगा। और लास्टली उपाध्याय जी, प्रोफेसर पांडे, सबको मैं कहूँगा कि इसका हम टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट की इंस्टीट्यूशन है, हमें जितने भी संत साहित्य में ऐसे साइंटिफिक जितने भी ऐसे आधार है पिछले 400-500 हज़ार साल में, खाली संत ज्ञानेश्वर और तुकाराम जी की बात नहीं बोल रहा हूँ, बट पूरे भारत के जितने भी संत हैं, तो उसके लिए एक रिसर्च ग्रुप डॉक्टर चिटनिस हमें फॉर्म करने की ज़रूरत होगी, और उसके ऊपर इस तरीके का कि जिसका आज साइंटिफिकली उसका कुछ रिलेवेंस है, ये बातों का पूरा संकलन अगर हम कर पाए तो बहुत बड़ी प्राइड हम सब में और आने वाली पीढ़ियों में इसके माध्यम से बन सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा रिसर्च का मिशन हमने हाथ में लेना चाहिए, ऐसा मैं यहाँ पे कह के मेरे दो शब्द इस 26वीं संत ज्ञानेश्वर तुकाराम स्मृति व्याख्यान माला के इस वैलिडिटी प्रोग्राम में कह के मेरे दो शब्द खत्म करता हूँ। फिर से एक बार गवर्नर साहब आपका आशीर्वाद रहे इस हमारे पूरे मिशन में, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। आणि आज आपलं खरंच अहोभाग्य आहे की भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव श्री सुनील देवधरजी आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत। त्यांना मी त्यांचे विचार व्यक्त करण्यासाठी आमंत्रित करण्यापूर्वी माझ्या टेक्निकल टीमला विनंती करतो की त्यांनी श्री सुनील देवधरजी यांच्या व्यक्तित्वावर तयार केलेली एक छोटीशी फिल्म आपल्या सर्वांना दाखवावी। Shri Sunil Devdhar was born in 1965 in a middle-class Maharashtrian family in Pune. After completing schooling in Mumbai and Pune, he pursued MSc and BEd degrees from Mumbai University. Inspired by biographies of Chhatrapati Shivaji Maharaj, Swami Vivekananda, Dr. Baba Saheb Ambedkar, Swatantra Veer Savarkar and Dr. K.B. Hedgewar during his young days, he enrolled himself in Rashtriya Swayamsevak Sangha, which is also called as RSS, in Mumbai. Within a few years of joining Sangha, he got so influenced by its nationalist views that he decided to work as a Pracharak, a full-time volunteer devoted to promotion of RSS ideology. He joined the Bharatiya Janata Party in 2010 under the leadership of then National President Shri Nitin Gadkari. It was in 2014 Lok Sabha elections, Sunil got a golden opportunity to serve the party and the nation, and he was given the responsibility of Varanasi Lok Sabha constituency, from where party's prime ministerial candidate Shri Narendra Modi was contesting. This was a Herculean task for which he camped in Varanasi for around 2 months and successfully led the campaign. थँक यू। टाळ्यांच्या कडकडाटात आपण स्वागत करूया श्री सुनील देवधरजी यांचं। मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आता त्यांचे विचार आपल्या सगळ्यांसमोर मांडावे। सन्माननीय राज्यपाल महोदय डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी, राहुल जी, स्वाति जी, डॉक्टर चिटनीस जी, पांडे जी आणि और इस सभागार में उपस्थित सभी मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आते आते मैंने राज्यपाल महोदय से पूछा कितना समय मुझे दिया जा सकता है, तो डॉक्टर कराड़ साहब ने मुझे बताया कि 7-8 मिनट बोला। म्हणून मेरे परिचय में बताया गया कि मैं एक शिक्षक हूँ और जब तक घंटा बजती नहीं तब तक रुकने की मुझे आदत नहीं है, आप लोगों को भी नहीं है। किसी व्याख्यान माला में मुझे दूर से किसी ने घड़ी दिखाना शुरू किया, किसी व्याख्यान माला में रात को किसी ने मुझे पीछे से कैलेंडर दिखाना शुरू किया कि भैया अभी चुप हो जाओ, दिन बदल रहा है। एक व्याख्यान माला में सामने वाले ने रिवॉल्वर निकाला,
तो मैंने कहा मैं चुप हो जाता हूँ, पिस्तौल क्यों निकालते हो? तो उसने कहा ये तुम्हारे लिए नहीं लाया है, तुम्हारे यहाँ जाने के बाद तुमको यहाँ पर जिसने बुलाया है उसके लिए लाया है, तो मुझे यहाँ पर राहुल जी ने बुलाया हुआ है, तो उनकी सुरक्षा मेरी जिम्मेवारी है। डॉक्टर कराड़ जी का मेरा परिचय, मेरे पिताजी उनसे बहुत अच्छी तरह से परिचित थे, विसुभाऊ देवधर, वीना देवधर। मंगेश मस्कर नाम का एक बच्चा जब बहुत प्रसिद्ध हुआ और ट्वेल्थ में वो अच्छे उतने मार्क्स नहीं पा सका कि एडमिशन उसको सरकारी माध्यम से मिलती, तब पिताजी की चिट्ठी लेकर मैं डॉक्टर कराड़ साहब के पास आया तो उन्होंने 2 मिनट नहीं लगाए ये बताने के लिए कि मंगेश तुझा सगळा शिक्षणाचा खर्च मी करीन, तू माझ्या इकडे शिकशील आणि आज तो विदेशामध्ये वेल सेटल्ड आहे, देशाचं काम करतो आहे। ऐसे हजारों लोगों को बनाने का, ज्याला मराठीत घडवणे म्हणतात, ऐसा कार्य इस MIT ने किया है, इसके लिए सारा देश, सारी दुनिया आपकी शुक्रगुजार रहेगी। यहाँ पर हम सब शिक्षक बैठे हुए हैं और शिक्षा देने का काम करते हैं। मराठी में आदरणीय राज्यपाल जी गलती से कहते हैं गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार। एक्चुअली वो जो गुणवंत रहते हैं वो मार्क्सवंत रहते हैं, गुणवंत नहीं रहते हैं। ये मैं उस मार्क्स को रेफर नहीं कर रहा हूँ, मैं मार्क्स मतलब जो गुण मिलते हैं हिंदी में हम कहते हैं उसको रेफर कर रहा हूँ। असल में गुण कुछ अलग रहते हैं और हम गलती से, मैकोले ने जो शिक्षा पद्धति हमें दी, ऐसे कहा जाता है कि अंग्रेजों ने कारकुन बनाने के लिए, क्लर्क्स बनाने के लिए वो शिक्षा पद्धति इस देश को दी, ये गलत है। ब्राउन इंग्लिशमैन बनाने के साथ साथ इस देश की वैल्यू सिस्टम को पूरी तरह से तहस नहस करके, क्योंकि मैकोले और अंग्रेज जानते थे कि इस देश पर अगर लंबा राज्य करना है, हुकूमत कायम करनी है, तो इस देश के अंदर की देशभक्ति खत्म होनी चाहिए, राष्ट्रवाद खत्म होना चाहिए, इस देश के वैल्यूज खत्म हो जाने चाहिए, एक दिशाहीन समाज रहे तो हम इसको निरंतर इस देश के ऊपर राज कर सकते थे। और बहुत बड़े पैमाने पर अंग्रेज इसमें सक्सेसफुल, यशस्वी हुए थे। और आज मैं फिर एक बार धन्यवाद राज्यपाल महोदय जी को देता हूँ कि आप और हमारे बीच में ये अनावश्यक अंग्रेजी भाषा को कम से कम इस कार्यक्रम में दूर करने की आपने हमको अनुमति दी। ये एक अनावश्यक प्रेम है और वास्तविक में भावनाओं का कभी अनुवाद नहीं हो सकता है। मोहम्मद रफी का सुंदर गाना, राधिके तूने बंसरी चुराई, बंसरी चुराई क्या मेरे मन भाई। एक अंग्रेज ने बताया कि भैया ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो उसको ट्रांसलेट करके बताया एक इंग्लिश प्रोफेसर ने कि राधा यू हैव स्टोलन माय फ्लूट। सो अंग्रेज पूछता है व्हाट इज द इशू, सो वो प्रोफेसर बताता है राधा नाम के एक लड़की ने कृष्णा नाम के एक लड़के की बंसरी चुराई, दैट इज व्हाई कृष्णा सिंग्स राधा यू हैव स्टोलन माय फ्लूट। वो अंग्रेज कहता है इफ राधा हैज स्टोलन हिज फ्लूट देन व्हाई इज सिंगिंग सॉन्ग, ही शुड गो टू पुलिस स्टेशन एंड रिपोर्ट। अब अनुवाद से आप भावनाओं को नहीं दे सकते। भारतीय भाषा में आपको ब्लैकमेल को कोई भी हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ शब्द नहीं मिलेगा, ढूंढ के देखिए। अप्रैल फूल को नहीं मिलेगा, उनकी कंसेप्ट है, उनके पुरखों ने उनको सिखाया एक दिन जितना चाहे उतना मूर्ख बनाओ। हमारे पुरखों ने न कभी हमें ब्लैकमेल करना सिखाया, न कभी एक दिन क्या एक क्षण के लिए झूठ बोलना सिखाया, तो ब्लैकमेल अप्रैल फूल को हमारी भाषा में शब्द हो कैसे सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से जब अंग्रेजी के अतिरिक्त प्रेम के कारण पीढ़ियां घटती गई, एक्सीडेंट्स होते रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक शिक्षा नीति लेकर आए हैं जिसमें प्राथमिक शिक्षण को केवल और केवल मातृभाषा में पढ़ाने का प्रावधान दिया है, हमने हृदय से उनका धन्यवाद करना चाहिए। शिक्षा से चरित्रवान लोग बनते हैं, ये चरित्र राष्ट्रीय चरित्र होता है, व्यक्तिगत चरित्र होता है, दोनों चरित्रों की आवश्यकता रहती है। कराड़ साहब एक
आखिरी उदाहरण बताकर समाप्त करूंगा। बोलने की बहुत कुछ इच्छा थी, लेकिन आशा करता हूं कि राहुल जी मुझे और एक कभी मौका देंगे और मैं ज़रूर कुछ बताऊंगा। ऐसा है कि हमारे बहुत अच्छी कथाएं कहानियां हमें कभी शिक्षा पद्धति ने बताई नहीं। एक गैजेटेड ऑफिसर और एक स्कूल कॉलेज में प्रिंसिपल, ऐसे पति पत्नी का बेटा, ऐसे तीन लोगों का परिवार, और घर में चोरियां होने लगी। और फिर एक बार चोरियां होने के बाद सबसे पहले नौकरानी पर शक करके देख लिया, बाद में ड्राइवर पर शक करके देख लिया। बेचारे गरीब थे इसलिए टारगेट बन गए, लेकिन फिर भी चोरियां नहीं रुकी। तब ट्रैप करके चोर को पकड़ा तो उनका बेटा ही चोर निकला। दोनों शौक में आ गए, इकलौता बेटा क्या कमी है, क्यों ये पैसे चुराता है। माँ ने एक कोरा कागज उसके सामने टेबल पे रखा, पिता ने उसको एक कलम हाथ में पकड़ाई, और माँ बाप ने कहा बेटे को 100 बार लिखो, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा। वो बच्चा लिखने लगा, लिखते लिखते हंस रहा था, क्योंकि उसको पता था वो कागज माँ स्कूल से उठाकर लाई है और पेन जो है बाप सरकारी दफ्तर से उठाकर लाया हुआ है, वो भी चोरी है, लेकिन ये किसी को पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें चाणक्य की कहानी नहीं बताई। चाणक्य को मिलने के लिए चीनी प्रवासी आया, कुटिया में बैठा। चाणक्य ने पूछा क्या काम है, कोई सरकारी काम है? उसने कहा नहीं, मैं आपको व्यक्तिगत रीति से मिलने के लिए आया हूँ, पर्सनल काम है। चाणक्य ने कहा थोड़ा समय बैठो, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। कुछ समय काम खत्म करने के बाद उन्होंने जो दिया जल रहा था उस दिए को दूसरे दिए को प्रज्वलित करके पहला वाला बुझा दिया और बोलो हाँ बोलो अब क्या काम है तुम्हारा। चीनी प्रवासी पूछता है कि वो दिया भी जो है प्रकाश दे रहा था, ये भी प्रकाश दे रहा है, आपने इसको बंद करके उसको क्यों चालू किया? चाणक्य महाराज कहते हैं मैं सरकारी काम कर रहा था, पहले जो दिया जल रहा था वो दिया, उसके अंदर का तेल, उसकी बाती सरकारी खर्चे से लाई हुई थी, तुमने कहा पर्सनल काम है, अभी जो दिया मैंने जलाया है, जो मुझे सैलरी मिलती है उसमें से मैंने खरीदा हुआ दिया तेल और बाती है, और मैं पर्सनल काम के लिए सरकारी चीजों का इस्तेमाल कर नहीं सकता। तालियां बजाने वाले साथियों, अगर आपको ये कहानी शिक्षा पद्धति से सिखाई गई होती तो आज बच्चों के हाथ से सरकारी और बाकी जगह से इतनी बड़ी चोरियां नहीं होती। और आज मैं अभिमान के साथ एक और अनुभव आपको बता सकता हूं। मैं स्वर्गवासी मनोहर पर्रिकर जी से मिलने के लिए गया जब वो मुख्यमंत्री थे। सारा सचिवालय अंधेरे में था, एक ही कमरा जल रहा था जिसमें मनोहर पर्रिकर जी बैठे थे, चीफ मिनिस्टर थे। उनको मैंने पूछा, मैंने देखा वो साइन करते करते मोबाइल पर बात कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, बीच बीच में ऑपरेटर को फोन कॉल जोड़ने के लिए बता रहे थे। मैंने मनोहर पर्रिकर जी को पूछा, मनोहर जी कुछ कॉल आप मोबाइल से कर रहे हैं कनेक्ट और कुछ कॉल आप ऑपरेटर को बता रहे हैं, क्या फर्क है, क्या कारण है? मनोहर पर्रिकर जी ने मुझे बताया कि जितने भी सरकारी कॉल है वो मैं ऑपरेटर को बता रहा हूँ, वहाँ से जोड़ रहा है, जितने भी मेरे पार्टी के और मेरे पर्सनल कॉल है मैं इस मोबाइल से जोड़ रहा हूँ, जिसका खर्चा मेरे सैलरी से मैं उसका बिल भरता हूँ। सरकारी काम मैं सरकारी टेलीफोन से करूँगा, पर्सनल काम मैं सरकारी टेलीफोन से नहीं करूँगा। कौन कहता है चाणक्य की शिक्षा जिंदा नहीं थी? वो जिंदा है। आज भी ऐसे राजनीतिज्ञ आपको देखने को मिलेंगे कि जिनका तत्व और व्यवहार एक जैसा है। नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने अभी मुझे शॉल दी, राहुल जी ने कहा कि सुनील ये शॉल अच्छी लगती है, तुम रखो मत उतारो। अब ये शॉल मुझे भेंट दिए, 100% मेरी हो गई, मैंने इसका इस्तेमाल करना कोई गलत नहीं, ज्ञानेश्वर माउली की तस्वीर मेरे घर में रखना कोई गलत नहीं। आमतौर पर राजनीतिज्ञों को बहुत सारे उपहार मिलते हैं, राजनीतिज्ञ अपने घर में सजाते हैं, एक कमरे के बाद दूसरा कमरा, दूसरे के बाद तीसरा, बाद में दालन, फिर म्यूजियम। नरेंद्र मोदी जी 12 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, हजारों उपहार उनको मिले, उनकी लोकप्रियता का लाभ उठाकर नरेंद्र मोदी जी ने उनका नीलामी करना शुरू किया। 50 रुपये की वस्तु मोदी जी की है इसलिए लोग 5,000 में लेकर जाने लगे, अपने घर में सजाने लगे कि ये मोदी जी को मिली हुई भेंट वस्तु है, मैंने अपने घर में लगाई है।
12 साल मुख्यमंत्री रहते हुए अपने मिले हुए गिफ्ट आइटम्स की नीलामी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो उस समय मुख्यमंत्री थे उन्होंने 300 करोड़ रुपए जमा किए। मैं कहता हूं ये 300 करोड़ उनके निजी थे, पर्सनल थे, लेकिन उन्होंने गुजरात की दलित और आदिवासी बच्चियों की शिक्षा के लिए वो 300 करोड़ रुपया दे डाले। हमारे देश के अंदर ऐसा चारित्रवान प्रधानमंत्री है जब मुख्यमंत्री बनने की शपथ लेकर जब मां के चरण छूने के लिए गया तब मां ने क्या कहा, बेटा नरेंद्र मुझे मालूम नहीं मुख्यमंत्री क्या होता है, लेकिन जनता का पैसा एक रुपया भी भ्रष्टाचार करके मेरे घर में लाओगे तो मैं तुमको दरवाजा नहीं खोलूंगी, मैं ये नहीं कहूंगी तुम मेरे बेटे हो। आजीवन गरीबी में रही, बर्तन मांजे, कपड़े धोए लोगों के, लेकिन बेटा मुख्यमंत्री बनने के बाद वो ये नहीं कहती है कि अब बटोर लो जितना बटोरना है। ये वसूली सरकार को पता चलना चाहिए कि ऐसे भी माताएं इस देश में होती हैं, ऐसे भी लोग इस देश के अंदर होते हैं। साथियों, ऐसा प्रधानमंत्री जब देश को मिलता है तब हम लोगों को इस भारत को एक ऊंचे दर्जे का ट्रीटमेंट सारी दुनिया देते हुए हम देखते हैं। प्रधानमंत्री पद पद होता है, पद से कुर्सी को महत्व नहीं होता है, उस पर बैठे हुए व्यक्ति से उस कुर्सी का महत्व होता है। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में जो एक बहुत बड़ा काम सारी दुनिया को करके दिखाया, सारी दुनिया उनको धन्यवाद देती है। आज की ही न्यूज़ है कि नए वायरेंट आने के बाद अफ्रीका को तुरंत भारत सरकार ने कहा है कि हम आपको सभी प्रकार की मदद करने के लिए तैयार है, और उसके ऊपर एक बहुत बड़े पर्यावरण प्रेमी जिसके कई मिलियन फॉलोअर्स हैं उसने आज सुबह ट्वीट किया कि ये कितने बड़े हृदय के लोगों का देश है, कितने बड़े अच्छे लोगों का देश है। तो उसको मैंने QRT करके एक ही लाइन लिखी, वसुधैव कुटुंबकम। ये भारतवर्ष सारे विश्व को एक परिवार मानता है, और आज जिन संत ज्ञानेश्वर जी के नाम से और संत तुकाराम जी के नाम से हम लोग एकत्रित होते रहे हैं, नेवासा के एक छोटे से देहात में एक कम उम्र का योग एक छोटा सा बालक जब कल्पना करता है, गीता बताता है, उसके बाद में जब पसायदान प्रसाद मांगता है तब जो पसायदान जिसको हम कहते हैं वास्तविक में, करण साहब अगर दुनिया का कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अगर तय होता है कि सारी दुनिया का एक संविधान बनना चाहिए तो वो ज्ञानेश्वरी का पसायदान पर्याप्त है, उसके अलावा किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए ये विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो जो है इसका कार्य आप कर रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आप सब लोगों की विदा लेता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। खरोखरच पुन्हा एकदा टाळ्यांच्या मोठ्या कडकडाटात आपण सुनीलजी देवधरांचं अभिवादन करूया। शिक्षणाचं राष्ट्रीय चरित्र घडवण्यातलं त्यांनी महत्त्व अधोरेखित केलं, आणि चाणक्य महाराज आणि पर्रिकरांचा संबंध जो आपल्याला त्यांच्या कार्यशैलीतला जाणून दिला त्याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार। आणि आपण आता टाळ्यांच्या कडकडाटात पुन्हा एकदा स्वागत करणार आहोत आपल्या सर्वांचे प्रेरणालय असलेले रिव्हर्ड प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड सर। टाळ्यांचा मोठा कडकडाट होऊ द्या, ज्यांच्या अथक परिश्रमांमुळे आणि तपश्चर्यामुळे आज 25-26 वर्षांनंतरही आपण ह्या लेक्चर सिरीजचा लाभ घेत आहोत। टाळ्यांचा मोठा कडकडाट। मोस्ट रेव्हिअर्ड अँड रिस्पेक्टेड गव्हर्नर ऑफ महाराष्ट्र श्री भगत सिंह कोश्यारी जी एंड सुनील देवधर जी एंड ऑल माय लर्नेड फ्रेंड्स सिटिंग इन द ऑडियंस, इट ट्रूली फील्स माय हार्ट विथ अ प्लेजर एंड प्राइड व्हेन आई स्टैंड बिफोर यू इन दिस ज्ञानेश्वर हॉल व्हिच हैज बीन रिवर्बरेटिंग ऑन द लाइन्स ऑफ द वर्ड्स ऑफ विजडम spoken by philosopher Saint Jnaneshwara, Saint Tukaram,
and equally true Albert Einstein too. Honorable sir, I do not find adequate words to express my feelings of joint satisfaction again, especially on the background of your visit, your blessings, for the very historic event which took place on 21st of October at Mana Badrinath ki wo pavitra bhoomi par, jo ki itihas ke roop mein mana jayega, aisa inhi ke mukh se nikal aaya to sari duniya wo jaanti hai. Lekin I still remember, especially I'm making a mention because of the time constraint, bhai sahab aapko vishwas nahi hoga, bahut kathin परिस्थिति थी. 9-10 साल के पहले का संकल्प हुआ, मैंने और विजय भटकर मेरे भाई, द ग्रेट कंप्यूटर साइंटिस्ट ऑफ द होल वर्ल्ड, व्हेन वी हैड विजिटेड दैट बद्रीनाथ मंदिर, जब हम माना गांव गए, किशन शर्मा बैठा है, विजय दास बैठा यहाँ साइंटिस्ट, पता नहीं, लेकिन जब भेंट हुई, वेद व्यास गुफा के अंदर जाकर बैठ के अनुभूति हुई, और जब सरस्वती मंदिर के उगम स्थान पर गए, तो पता नहीं, लंबी बात है, मैं तो मेरी माँ को फेस से जानता नहीं, मैं 4 साल का था, मेरे भाई मुझसे भी छोटे थे, लेकिन उनका नाम भी सरस्वती था, उसकी याद आ गई. मेरी बहन प्रयाग अक्का कराट साथ थी, विजय भटकर थे, विजय कुमार दास थे, किशन शर्मा नौटियाल जी ब्लिट्स के संपादक. जगह पे जाने के बाद याद आ गई और कोई संकल्प हो गया. भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय तत्वज्ञान, जो भी अभी सुनील देवधर साहब ने कहा, उसकी याद करके ऐसे लगा कि वैश्विक चिंतन जो है भारत का, भारतीय संस्कृति का, कल्चर का, ट्रेडिशन का, फिलोसॉफी, जो भी आप बोलो, लेकिन बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग अ मैन ऑफ पार्टिकल फिजिक्स एंड आईटी एंड कंप्यूटर, I do understand what is Google, artificial intelligence. You can use all the modern words of the modern science. But I have a very firm belief that the words of wisdom spoken by Maharishi Ved Vyas Ji, Vedon ki baat ho, ya Pavitra Quran ki baat ho, baki sari dharma ki baat ho, I think the way in which it has been presented, including the Bible and the Tripitaka too, I was searching and to understand myself, what is the real definition of the divine knowledge? ये divinity क्या है? ज्ञान की भाषा क्या है? ज्ञान विज्ञान का मतलब क्या है? दुनिया की रास्ते की बात हुई, बड़ी लंबी बात हुई, और संकल्प हुआ कि ये जगह है कि जहाँ पे सरस्वती माता का मंदिर बने. संकल्प हुआ, नारियल चढ़ाया गया, कसम खाई, ये सारे मेरे भाई मेरे बहन के साथ सब तैयार है, जगह ही नहीं है वहाँ, कैसा खड़ा रहे भाई, कैसे बने. लेकिन मैं इतना कहूँगा, मैं ये मानने वाला हूँ कि अभी डोम की बात हुई, राम रहीम सेतु की बात हुई, बुद्ध विहार की बात हुई, राम मंदिर बना अयोध्या में, छोटा, लेकिन अयोध्या का राम, जब बाबरी मस्जिद चल रही थी, तो ये देखो यहाँ कोश्यारी साहब, ये देख लेना, इसको 12 साल के पहले बनाया गया, यह क्यों रखा है, इसके भी दिशा हुई. और देन वी कुड रियलाइज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज माय ड्यूटी. मुझे लगा ब्रिटिश लोगों की याद आ गई, इस्लाम की याद आ गई, पवित्र कुरान की भी याद आ गई, और बाद में तय हुआ कि नहीं भाई, जो स्वामी विवेकानंद जी ने जो शब्द कहे इन द ईयर 11 सितंबर 1893 और बाद में 1897, ये दो बातें. मैं तो इंजीनियर बनना नहीं चाहता, बना पता नहीं, लेकिन जब ये कसम खाई तो उस याद आया, द वर्ड्स ऑफ विजडम स्पोकन बाय विवेकानंद ऑफ 11 सितंबर, व्हेन ही सेड, फ्रेंड्स, ही इज एड्रेसिंग द वर्ल्ड पार्लियामेंट, द फर्स्ट वर्ल्ड पार्लियामेंट. उस वक्त की बात है, शिकागो में, अमेरिका में, एक सन्यासी, भारत का एक महान सपूत, दुनिया के सामने बोल रहा है. And that time he really made it possible to understand to the entire world what Mother India stands for. ये भारत की संस्कृति क्या है, भारत की परंपरा क्या है, भारत की फिलासफी क्या है. बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन विवेकानंद के शब्द आप जानने वाले लोग, आप पढ़े लिखे लोग हैं,
जानकार है, आप जानते हैं मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ओनली फॉर द सेक ऑफ जस्ट ट्राइंग टू पुट माय कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, ये संस्था की जो भाषा है, दिशा है, काम करने का तरीका है, टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म और विज्ञान की बात है, ज्ञान विज्ञान की बात है, इसलिए मैं आपके सामने दो मिनट में रखना चाहता हूँ कि दिस इंस्टीट्यूशन वॉज ट्राइंग टू फॉलो इन द फुट स्टेप्स ऑफ स्वामी विवेकानंदा व्हेन ही सेड, फ्रेंड्स रिमेंबर, यूनियन ऑफ साइंस एंड रिलीजन पब्लिक स्पिरिचुअलिटी अलोन विल हेल्प टू ब्रिंग हार्मनी एंड पीस टू मनकाइंड, दुनिया को सुख समाधान शांति का रास्ता दिखाने का दायित्व मेरी भारत माता का है, गर्व नहीं स्वाभिमान, स्वधर्म की पहचान, स्वत्व की जान और ड्यूटी का प्रयास, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ माइंड, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव शब्द है, और इसके तहत स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा, बट देयर आफ्टर इन 1897 द सेम ग्रेट नोबल सन ऑफ इंडिया हु मेड इट पॉसिबल फॉर द वर्ल्ड कम्युनिटी, द एंटायर वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट मदर इंडिया स्टैंड्स फॉर, ये भारत भूमि क्या है, दुर्लभे भारते जन्मा, महाराष्ट्र सुदुर्लभम, ये भारत भूमि एक ज्ञान की भूमि है, ज्ञान विज्ञान की भूमि है, और इसका पहचान जिस भाषा में हुआ है वो बहुत सुंदर है, उन्होंने 1897 में कहा है दुनिया के सामने, देखो भाई दुनिया के सामने ये बोलने की जो जिद है, जो ज्ञानी पुरुष है, सत्पुरुष विवेकानंद जी, वो बोलते हैं कि फ्रेंड्स रिमेंबर, आज से 50 साल के बाद हम ब्रिटिश कब्जे में हैं, ब्रिटिश क्लचेस में हैं, एंड योर नोबल सन इज टेलिंग द वर्ल्ड विथ कॉन्फिडेंस, करेज एंड कन्विक्शन एंड डिटर्मिनेशन, ही टेल द वर्ल्ड कि आज से 50 साल के बाद मेरी भारत माता विल बिकम फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश राजवट से, गुलामी से मुक्त हो जाएगी मेरी भारत माता 50 साल के बाद, 1897 एट 50 इट कम्स टू 1947, भविष्यवाणी हो गई, आप तो जानते कि वही हुआ, और 1947 में आवर मदर इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश, बट देयर आफ्टर एक बात कही स्वामी ने जो दिशा दी थी अपने सारे लोगों के जीवन के लिए, फॉर आवर ड्यूटी, अपना फर्ज, इन्होंने कहा कि इन द ईयर 21 My mother India will show the pathway of harmony and peace to mankind. दुनिया को सुख समाधान और शांति का मार्ग दिखाने का दायित्व मेरी भारत माता का होगा. And then he has said the next sentence with again full confidence. He is telling very emphatically, with great attention, great clarity of mind. He says ki meri Bharat Mata will become the Vishwa Guru and show the pathway of harmony and peace to mankind. ज्ञान का दालन बोल के, विज्ञान का दालन बोल के मेरी भारत माता उभर आएगी. यह शब्द है जो अंदर मन में भी और दिल में भी जब बैठ जाते हैं तो यह दिशा होती है. और आज कोश्यारी साहब का यहाँ आना, मैं आपकी उनके बारे में दो शब्द बोलूँगा कि हम जब अटक गए जोशी मठ के बगल में, दो दिन गाड़ी में रेल से गए, बैठे 300-350 लोग हैं साथ में, और कोश्यारी साहब मुझसे पहले, मैं यजमान हूँ और ये मेहमान है गवर्नर साहब, क्या आश्चर्य की बात है, मैंने जीवन में पहली बार ये देखा, अनुभव किया कि कोश्यारी साहब मुझसे पहले बद्रीनाथ में पहुँचे थे, और वहाँ जाकर तीन बार स्वाति के माध्यम से फ़ोन लगाया, अरे करार साहब को बोलो भाई हेलीकॉप्टर से आओ यहाँ पे, मैं आया हूँ यहाँ पे. यजमान के पहले मेहमान हाजिर होना क्या चीज़ हो सकती है, सोचो क्या स्थिति होगी. और गवर्नर, अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, माना गांव के हैं, उत्तराखंड के हैं, चीफ मिनिस्टर रहे, और क्या क्या पद था मुझे पता नहीं, लेकिन मुझसे पहले वहां पहुंचे हैं और मैं अटक गया हूं. गाड़ी आगे भी नहीं जाती और पीछे भी नहीं जाती, तो बोलते कि आओ भाई ऐसा करो. मैं बोला मेरे साथ 200-250 लोग हैं,
विजय भटकर है, मैं अकेला नहीं आ सका, तीन बार फोन किए. यू विल नॉट बिलीव, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टू अंडरस्टैंड हाउ ए पॉलिटिशियन शुड बी एंड व्हाट इज हिज ड्यूटी एंड हाउ ही परफॉर्म्स एंड लुक्स टू द होल सोसाइटी. डेवलपमेंट ऑफ अ पीस लविंग ग्लोबल सोसाइटी इज द मिशन. वो उत्तराखंड की बात नहीं की, माना गाँव की, लेकिन बाद में तो आपने देखा होगा, शायद फिल्म देखी होगी, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा. लेकिन पहली बार मैंने अनुभव किया कि एक भारतीय संस्कृति का प्रतीक, ये कौन सी भाषा है ये? कोशियारी साहब का ये बोलना हमसे, यजमान को नहीं तो दूसरा कोई होता तो बोलता भाई मैं जा रहा हूँ भाई वापिस वापिस, कौन ठहरेगा मेरे लिए? हु एम आई? आई एम जस्ट अ फार्मर सन, ए टीचर, एंड ही इज एबसेंट हियर, ही इज नॉट इन बद्री. कौन रोकेगा भाई? ऐसे नहीं होता है. नॉर्मली आई एम नॉट प्रेजिंग ऑनरेबल गवर्नर साहब, बट आई एम टेलिंग यू द पैशन एंड द फायर इन द बेली टू बिल्ड अप द नेशन. अरे देश के जिसके बारे में सुनील देवधर जी ने कहा, द मैकॉले हैज सेड द टाइम दैट दे वॉन्टेड टू रूल दिस इंडिया एंड ही इज टॉकिंग टू द पार 1865 की बात है ये. He says, I have traveled across the length and breadth of India, 2-3 years, and I have realized that if at all this Great Britain, that time, abhi great nahi hai wo, abhi to Britain hai bas, unki sthiti dasha aapko malum hai, sare duniya ke deshon ki bhi, Bharat ke samne Bharatiya sanskruti ka uthan, ubhar aana, ek disha dikhata hai. Aur iske liye Koshyari sahab ko maine pehle taklif diya, कि ये भी बड़ी लंबी कहानी है इस सभाग्रह की. तो मैं इतना कहूँगा कि व्हेन द मैकॉले हैज बीन एड्रेसिंग द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन, ही सेज बाय फ्रेंड्स इफ यू वांट टू रूल इंडिया, ये जो पागल नहीं बोलूँगा, ये भारतीय लोगों को दे मस्ट बी मेड टू फॉरगेट देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन, फिलोसॉफी, लाइफ का चिंतन, सारा चिंतन ये भूल जाना चाहिए, इसकी एजुकेशन सिस्टम इटसेल्फ, गुरुकुल सिस्टम. एंड यू विल नॉट बिलीव फ्रेंड्स, Unfortunately, our new generation, they are wise and intelligent, but ऐसी ही बात हो गई, उस दिशा में जा रहा है, इसलिए इसकी ज़रूरत है. इसलिए ऐसे कोश्यारी साहब हो, हमारे देवधर मेहमान हो, ये जो भाषा है कि now to take up the new vision with a great insight, foresight, जो भी भाषा कहो, संस्कृत भाषा है, वेदवाणी नहीं देववाणी भी है. जर्मनी में पढ़ाते हैं, यहाँ नहीं पढ़ाते, क्या क्या बातें हैं. लेकिन कोश्यारी साहब, मैं इतना बोलूँगा कि कोश्यारी साहब ने जो दिखाया, एक हिस्टोरिक इवेंट है, ध्यान में रखना. उन्होंने कहा है कि जो हुआ है, हमने नहीं भाई, ये डोम बना कैसे बना, मैं कौन हूँ जिसको आर्किटेक्ट नहीं, डिज़ाइनर नहीं, प्लानर नहीं, इंजीनियर की टीम नहीं, कॉन्ट्रैक्टर नहीं, क्रेन एक बार यूज़ किया बस, ये कैसे बनता है? ये ईश्वर की कोई नियति होती है, डिवाइन ड्यूटीज एंड डिवाइन डेस्टिनेशन, ऐसा शब्द है. दिशा और दशा दोनों मालूम होता है, मार्ग दिखाता है, ईश्वर निर्मित कार्य बनता है, और उसके साक्षी, उसके ब्लेस किया वो कोश्यारी साहब है. ये ऐतिहासिक घटना है, जो भी बना, मेरा गर्व नहीं कर रहा हूँ. आलंदी देहू ये ज्ञान की भूमि है, ज्ञान तीर्थ है. पंडरपुर हमारी दूसरी भूमि है, ज्ञान पंडरीय है. जो भी तीर्थ क्षेत्र है, ट्रांसफॉर्मिंग द पिलग्रिम्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड इनटू नॉलेज सेंटर्स ऑफ इंडिया, डिवाइन नॉलेज सेंटर्स ऑफ इंडिया, इसकी दिशा है. आलंदी देहू संत ज्ञानेश्वर तुकाराम की भूमि से काम शुरू हुआ और पहुँचे कहाँ? बद्री नारायण के प्रांगण में, नर नारायण के कुशी में, सरस्वती नदी के उगम स्थान पर, वेद व्यास की भूमि पर. और वहाँ जाके 63 डेज में मंदिर कैसे बनता भाई? इज इट पॉसिबल? Is it possible for me or any one of us? No. There is a divine blessings, the divine intervention which made it possible. और ऐसे इतिहास रचाने वाली घटना को साक्षी और आशीर्वाद दिया कोश्यारी साहब ने. उनके लिए जरा आप ये, मैं इतना कहूँगा, ये प्रेस की बात नहीं, अनुभव की बात है. जिस स्थिति में 7 दिन भागवत पुराण हो, वेदव्यास की गुफा में जाके विजय भटकर जैसा साइंटिस्ट वहाँ जाके बैठता और खोजता है मीनिंग, विजय दास भी बैठा है, क्या मीनिंग खोजता है? शास्त्र क्या है, साइंस क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एंड व्हाट द मैसेज ऑफ मदर इंडिया. महर्षि वेदव्यास की भाषा
ज्ञान विज्ञान की भाषा ये भारत बोल सकता है. दुनिया में ऐसे बहुत कम देश है शायद. दे हैव येट टू रियलाइज दे माइट बी ग्रेट इन बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स, द एटॉमिक वेपन्स, द न्यूट्रॉन वेपन्स, एंड दे माइट हैव एक्सपीरियंस द हिरोशिमा. द बेल ऑफ हिरोशिमा हैज स्टार्टेड रिंगिंग अगेन, लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, विच इज गिविंग अ क्लैरियन कॉल टू द होल वर्ल्ड टू बी केयरफुल. जरा ठहरो भाई, समझने की कोशिश करो. तो मैं इतना कहूँगा, फिर से एक बार कोश्यारी साहब के लिए मैं अभिवादन करता हूँ. ये बड़ा साफ दिल है, क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट. राजनीति भी हो तो राजनीति में कैसे चलना और कैसे नहीं करना, जीवन ग्रंथ की बात है. रिलीजियस स्क्रिप्चर्स आर लाइफ गाइडिंग स्क्रिप्चर्स. वो भगवद गीता हो, होली कुरान हो, होली त्रिपिटक हो, बाइबल हो, उसका सही मीनिंग समझकर चलने वाले कई लोग होते हैं. उसमें से कोश्यारी साहब का ये जो पहचान हुई, परिचय था, पहचान नहीं थी, अभी हो गई बद्रीनारायण के प्रांगण में. मैं आपको सर अभिवादन करता हूँ. मुझे मालूम है मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया, देवधर साहब को मैंने थोड़ा अटक दिया. वो तो नेता है, वो तो यहाँ एक घंटा तो कम से कम बात करते, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मर्यादा है. फिर से एक बार स्वागत की भाषा में, प्रणाम अभिवादन की भाषा में कोश्यारी साहब को अभिवादन करो जोर से. धन्यवाद, धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू. मनपूर्वक आभार सर. आणि खरोखरच वी ऑल आर रियली फॉर्च्युनेट टू हॅव युअर गायडन्स अँड वी ऑल आर ड्रॉइंग मोटिवेशन फ्रॉम युअर थॉट्स अँड युअर गायडन्स. थँक यू वन्स अगेन. टाळ्यांच्या कडकडाटात पुन्हा एकदा आपण मानवंदना देऊया रिव्हर्ड प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड सर यांना, की ज्यांच्यामुळे आज आपल्याला ही संधी मिळते. आणि आता ज्या क्षणाची आपण आतुरतेने वाट पाहत आहोत, आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे महामहिम राज्यपाल माननीय श्री भगतसिंग कोश्यारीजी आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. आणि आता तो क्षण आला आहे जेव्हा मी त्यांना त्यांचे विचार प्रकट करण्यासाठी इथे आमंत्रित करणार आहे. टाळ्यांच्या कडकडाटात आपण आपल्या जागी उभं राहावं आणि टाळ्यांचा मोठा कडकडाट करून आपण स्वागत करूया महाराष्ट्र राज्याचे महामहिम राज्यपाल श्री भगतसिंग कोश्यारीजी. आज 30 नवंबर है और प्रातः समय पूज्य ज्ञानेश्वर महाराज जी का 725वां समाधि का दिन है और हमारे कराड़ साहब जब बोल रहे थे मेरे बारे में तो मुझे लग रहा था कि शायद ये चाहते कि मैं भी यहीं समाधि ले लूं. क्योंकि जितनी तारीफ कर रहे थे उतने लायक मैं होता तो यहाँ थोड़ी होता, कहीं साधु संन्यासी होता. ऐसे शुभ दिन पर यानी जो स्मरणीय दिन है, महापुरुषों का जन्मदिन भी उतना ही स्मरणीय होता है, उतना ही पूजनीय होता है और उनका निधन, देहावसान, समाधि का दिन वो भी उतना ही पूज्य और स्मरणीय होता है. और इसलिए आज इस अवसर पर पिछले कितने 5 दिन से और सभी काम 7 ही दिन करते हैं आप, वहाँ भी 7 दिन था, मैंने आपने मान लिया कि सप्तर ऋषियों में से आपका नाम आना है. तो ऐसे 7 दिन से चल रहे भगवान ज्ञानेश्वर और संत श्री तुकाराम जी के इंडाउमेंट लेक्चर सीरीज में उपस्थित आदरणीय विश्वनाथ करार जी अपने मध्य आज के
क्या बोलते प्रमुख पाहुणे, प्रमुख पाहुणे, आज के प्रमुख पाहुणे श्रीमान सुनील देवधर जी, भाई राहुल कराड़ जी, डॉक्टर चिटनीस जी, प्रोफेसर मिलन पांडे जी और प्रिय प्रोफेसर स्वाति जी, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं जहाँ हमारे देश में अनेक ऋषि संत मुनि और ऋषितुल्य ऐसे गृहस्थ भी होते हैं, ऐसे राजा भी होते हैं, राजकर्मी भी होते हैं, जो समय समय पर समय की मांग के हिसाब से कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे समाज जागृत होता है, आगे बढ़ता है, अपनी जो सुसुप्ता अवस्था है उसको छोड़ करके और समाज एक नई चेतना लेकर के आता है। और ये तो सनातन देश है, अभी गुलामी की पराधीनता की बातें चल रही थी, थोड़ा उनको भी याद करना चाहिए, पर उनको थोड़ा कम याद करो और अपना जो वैभवशाली स्मरणीय ऐसा अतीत है उसको थोड़ा हम अधिक याद करेंगे तो हम एक जो सुंदर, जिससे भी वो जगतगुरु कह रहे थे, ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं। और ऐसे भारत के निर्माण का जिन जिन का भी सपना रहा है उन सब में आदरणीय डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी का भी एक सपना है, और आपका सपना हम सब लोगों का सपना हो और पूरे समाज का सपना हो, मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि अच्छे काम, हमारे तुलसीदास जी कहते हैं सो जानहि जेहि देव जनाए, यानी आपको वही जानता है जिसको आप चाहते हो कि मुझे जाना है, वरना भगवान को जानने के लिए प्रयत्न बहुत करते पर हरेक को मिलता नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सो जानहि जेहि देव जनाए, तुमको वही जानता है भगवान जिसको तुम प्रेरणा देता है कि वो तुमको जाने, तो आपको ऐसी प्रेरणा दी है, आप सौभाग्यशाली हैं और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस गुंबद के नीचे और हम भी ये अनुभव कर रहे हैं कि आज एक भारतीय संस्कृति, नहीं तो किसको फुर्सत है। अगर आप में से ज़्यादातर लोग इस समय इतने 3 घंटे से यहाँ बैठे हैं, आगे होंगे 2-3 घंटा पहले तो बैठे हैं, या तो घर में रोटी बनाते होते, ऑफिस में काम करते होते, और कुछ नहीं होता, मोबाइल पर देखते रहते हैं, चिटपिट चिटपिट जाने क्या क्या आता है, लेकिन इतनी देर से यहाँ है तो इसका सीधा अर्थ है कि कहीं ना कहीं बहुत बार लोग सोचते हैं भारत है ये क्या भिखमंगों का देश है, क्या भिखारियों का देश है, ऐसे देश है वैसे देश है, लेकिन कहीं ना कहीं सब प्रदर्शित करता है। मैं भी 2-3 दिन पहले थाने में गया था, एक नई साधु है, यंग, शायद 20 साल की भी नहीं होगी, वो प्रवचन करने उसने बुलाया नहीं आई है, और जब मुझे बुलाने आई तो मैंने उसको यूं गले से लगा लिया, मैंने कि तू मेरी नाचनी जैसी लगती है, नात नातू जानते ना आप, है बेचारी बड़ी खुश हुई, बोला मुझे ऐसा लगा कि मेरे दादाजी आ गए, ग्रैंड फादर आ गए। बोल रही थी मैं गया वहाँ, मैं देखा कि हजारों की संख्या में महिलाएं पुरुष बैठे हैं, आखिर क्या है। इसका सीधा अर्थ है ये जो साधु हैं, ये जो संत हैं, इस देश के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, क्रांतिकारी हैं, इन सब का बलिदान, इन सब का त्याग, इन सब की तपस्या कहीं न कहीं रंग लाती है और हमारे रंगों में बहा करती है। मैं देखता हूं जब पाकिस्तान का हमला हुआ, चाइना का हमला हुआ, मुझे ध्यान है चाइना का हमला हुआ, मैं कॉलेज का सेक्रेटरी था 1962 में, हम लोग लड़के लोग बोलते थे, मुझे याद है अपना भाषण आज भी, मैंने कहा चाइना के पास ये होगा वो होगा, हम तुमको पत्थरों से मार देंगे, यानी भावना कहाँ से ऐसी आती होगी।
और बच्चे भी एक से एक अच्छा बोल रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं हम सब के अंदर, हाँ, वो सुसुप्ता अवस्था में है, उसके लिए कोई थोड़ा हनुमान चाहिए। और आप यहाँ हनुमान बन के आए हो तो राम जी आपने ठीक ही बनाया है कि लोगों को जगाने के लिए। और हम सबको ये विश्वास होना चाहिए। अभी आपने कहा ना विवेकानंद जी के बारे में कि उन्होंने कहा 1950 में 50 साल बाद ये होगा, शायद आपको पता नहीं, आपने मिस बर्क की किताब नहीं पढ़ी होगी। उसमें विवेकानंद जी ये कहते हैं, बोले अरे उसमें ईसाई उसके चर्च में जाकर के भाषण होता उनका अमेरिका में, और उनके सामने कहते तुम क्या भाषण भारत को, उनका पूरा भाषण है, अगर आप रामकृष्ण मिशन जाओगे तो बर्क की किताब मिल जाएगी आपको। वो कहते तुम क्या भारत को धर्म सिखाओगे, अरे सिखाना हो तो साइंस सिखाओ, जैसे भी आप बता रहे थे साइंस से सिखाओ, बोले धर्म तो हमसे सीखो ना, वो हमारी विशेषता है, साइंस तुम्हारी विशेषता है, वो तुम सिखाओ, धर्म हम सिखाएंगे, स्पिरिचुअलिटी हम सिखाएंगे। तो कहते कि तुम वहाँ धर्म सिखाने मत जाओ, सिखाना हो साइंस सिखाओ। और बोले तुम इतना ज़्यादा गर्व मत करो कि दुनिया में एक विशेष धर्म का विशेष रिलीजन का राज्य कर रहा है तो यही राज्य करेगा। बोले तुम्हें मैं बताता हूँ, बोले रूस और चीन जाग रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन वो आकर के भारत पर आक्रमण करते हुए तुम्हारे पेरिस तक पहुंच जाए। जस्ट इमेजिन, कब कहा विवेकानंद ने 1897 में। बोले उसके बाद जब भारत जगेगा, वो भारत एक दिन जगतगुरु बनेगा। कितना दृष्टि उनमें है, ये हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है, वही हमारी थाती है, और उस थाती को हम लोग बनाए रखे हैं। बहुत अच्छा है, हमारे कराड़ साहब बहुत बार मुझे बोलते रहते हैं, इनकी किताब में भी मैंने पढ़ा। उन्होंने कहा नहीं हमारे लिए, हम तो एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। अब हम सब लोगों ने बोला भारतवर्ष में, वसुदेव कुटुंबकम बोला, और ये भी बोला कि एक ही ब्रह्मा है, एक ही ईश्वर है, उसको हम अलग अलग रूप में बोलते हैं। ये भी हमारे वेद ने बोला, हमारे ऋषि मुनियों ने बोला, ये काम ज्ञानेश्वर जी ने भी बोला, तुकाराम जी ने भी बोला, सभी लोग बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जब हम बोलेगा एक तरफा हो जाते हैं, एक तरफा हो जाती है तो गड़बड़ क्या होती है। अब एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति करके उदार तो बहुत हो जाते हैं, उदार चरित्ता नाम वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन ये भी भूल जाते हैं कि हमारे शास्त्र ने यह भी कहा है कि जो बुद्धि बलवान नहीं है, नायम आत्मा बलहीने न लभ्या, हम आत्मा प्राप्ति के लिए काम करते हैं, साधना करते हैं, तो वेद कहता है, श्रुति कहती है, करार साहब नायम आत्मा बलहीने न लभ्या, इसलिए सबको एकात्म देखो, पर पहले खुद तो बलवान बनो। अब अगर कमजोर ये बोले कि नहीं नहीं हम तो विश्व बंधुत्व चाहते हैं, वैकुंठ चाहते हैं, दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। इस देश का दुर्भाग्य क्या है कि हम एक्सट्रीम में जाते हैं, कभी तो एकदम अहिंसक हो जाते हैं, हमारे भगवान हमको बुद्ध प्रिय होते हैं, युद्ध तो हम बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, और कभी हम युद्ध युद्ध कर देते हैं, बुद्ध को छोड़ देते हैं। इस देश के अंदर जब जब बैलेंस हुआ, गीता में कहा है समत्वम योग उच्चते, जिस योग की आज इतनी चर्चा हो रही है वो क्या है, समत्वम है, बैलेंस है, बराबर ताकत भी, बराबर बौद्धिक ताकत भी, आध्यात्मिक ताकत भी, शारीरिक ताकत भी, ये जब बराबर होगा, ये जब बैलेंस होगा, तब दुनिया में बैलेंस आएगा, नहीं तो जो बलशाली है कमजोर को खाता ही जाएगा, कितने उपदेश जाओ उगलता जाएगा। और मैं सुबह पढ़ रहा था अपना, मैंने किताब देखी, मैंने कहा भाई मैं जानता तो कुछ नहीं हूँ,
ये थोड़ा बहुत जानता हूँ ज्ञानेश्वर जी के बारे में, मैंने बहुत पहले उनकी ज्ञानेश्वरी पढ़ी 40 साल पहले हिंदी में। मैंने देखा कि आखिर वो हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोग से महिम। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अरे भाई मारा जाएगा तो स्वर्ग पहुंचेगा, जीतेगा तो धरती पर राज्य करेगा। जैसे हमारे कराड़ साहब कर रहे हैं यहाँ से लेके सरस्वती वहाँ मंदिर तक माणा गांव तक, तो ये तो अब मैं कहा कि इसका क्या अनुवाद है। तो मैं भी देख रहा था, मैंने उसको नोट किया, ये जो हतो वा प्राप्त से स्वर्गम, तो कहते हैं मराठी में लिख के लाया ना, ज्यादा आता नहीं मुझे। आता धनुष घेऊन उठी जूझे बेगी, देखे स्वधर्म हा अचरता दोसु नासे अस्ता। और लंबा उसे छोड़ दिया मैंने, हेतु सांडानी सरोता शात्र वृत्तिम सुंजता। पाप नाही मारो, शास्त्र धर्म का पालन करो, इदम ब्राह्मम इदम शास्त्रम, उसमें कोई पाप नहीं लगेगा। दुष्ट है मारो, भाई है भतीजे कुछ भी, सचा है मामा है। ये गीता का कितना सुंदर उपदेश है। एक प्रकार से ये जो समत्व का भाव है, बराबरी, शक्ति भी, भौतिक शक्ति भी, शारीरिक शक्ति भी, आध्यात्मिक शक्ति भी, सबका आदर भी, विश्व बंधुत्व भी, ऐसा मैं सोच रहा था कि मैंने कहीं ज्ञानेश्वर जी को गलत तो नहीं समझा करके, क्योंकि वो इतना भक्ति भाव से है। जब मैंने हिंदी में आज से 40-45 साल पहले पढ़ा तो मैं बहुत बार रोया, बहुत आंसू आए, मैं थोड़ा भाव गया दे हूँ, बहुत रोया, बहुत अद्भुत है ज्ञानेश्वरी। तो आज मैंने कहा उसका अर्थ देखता हूँ। फिर गीता के अंत में है भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धरा। कहते जहां योगेश्वर है वहां भगवान कृष्ण है, और इसलिए श्री विजयी भूता, उस पर आपकी विजय अवश्य होगी। मैं देखा कि क्या है मराठी में इसका अनुवाद, तो उन्होंने लिखा है कृष्ण विजय स्वरूप निजांगे, तो राहिला असे जेणे मागे भागे, तय जयो लागे वे गे तेथो ची आहे विजयी नाम अर्जन विख्यातु विजय स्वरूप श्री कृष्णनाथु। आज हम उनको याद कर रहे हैं। अगर केवल भक्ति भक्ति याद करेंगे, केवल ज्ञान याद करेंगे, तो भक्ति और ज्ञान से पहले तो कर्म ही होता, तभी आगे बढ़ता है। और इसलिए उस भक्ति और ज्ञान में कर्म की शक्ति लगाएं, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम दूसरे को क्या आगे बढ़ देंगे, और तभी हमारे ये जो साधु हैं, सन्यासी हैं।